तो जितना भी काम आज तक हमने किया उसमें ये अज्यूम किया गया कि बॉडी किस में है, ऑलरेडी इन रूलिंग, रोल कर रही है, पर वो कैसे रोल में आई वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो बेसिकली हमने एक रोटेशनल काइनेमेटिक्स डिस्कस किया है। अभी अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका डायनेमिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फोर्सेस का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि अगर बॉडी रोलिंग में आई तो क्यों आई, उसके ऊपर कितनी फोर्स लगी, फ्रिक्शन कितनी थी उसके बीच में, सरफेस और बॉडी के बीच में, ये सारी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। तो आज का लेक्चर ऑलमोस्ट आखिरी लेक्चर है रोटेशनल मोशन का। इसके बाद हमारा जो रोटेशनल है वो ऐसे चलेगा, मैं आपको पी वाई क्यू के डिस्कशंस के डाउट्स दूंगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, नेक्स्ट टाइम से इसके डाउट्स होंगे। हर क्लास में 15-15 क्वेश्चन के डाउट चलते रहेंगे और इधर से ग्रेविटेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि अक्टूबर हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म है हमारे पास, और 50% कोर्स पढ़ा है और बहुत सारा कोर्स वॉल्यूम टू में से आता है, दबा के आता है। तो हम ऐसे कुछ मैनेज करेंगे कि ये भी चलता रहे, थोड़ा थोड़ा करके डाउट्स होते रहें ताकि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और इधर से हल्का हल्का ग्रेविटेशन भी स्टार्ट करें। तो अभी रोलिंग मोशन के अंदर हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, कोई भी बॉडी अगर रोलिंग मोशन में है तो वो दो मोशंस का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक ट्रांसलेशन मोशन है और एक प्योर रोटेशन मोशन है, तो रोलिंग बोलते हैं। और रोलिंग मोशन में, प्योर रोलिंग में, मैंने आपको ये बताया था और डायग्राम भी बनवाया था लास्ट टाइम कि अगर आप कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं प्योर रोलिंग का, तो प्योर रोलिंग के अंदर अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग में, तो उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी है, तो यहाँ की वेलोसिटी 2 टाइम सेंटर ऑफ मास है और यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, इसका प्रूफ भी किया था, ऐसा क्यों होता है, क्लियर है यहाँ तक। और अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग में है तो 100% वी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, बात खत्म। तो फोर्सेस को लेके कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, रोलिंग एक्चुअल में दो टाइप की है, या तो रोलिंग प्योर है या इम्प्योर है, या तो टायर या कोई भी बॉडी ठीक तरह रोल करेगी या नहीं करेगी। तो एक है प्योर रोलिंग, जिसने आपने नोट किया हर क्वेश्चन के अंदर मैंने मेंशन किया प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, ब्रैकेट में बहुत न्यूमेरिकल में लिखा होता था कि आप स्लाइडिंग ना एज्यूम करें, इट्स अ केस ऑफ अ प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग की, और एक है रोलिंग विद स्लाइडिंग, थोड़ी सी बॉडी घिसट के चलेगी, इसे बोलते हैं रोलिंग विद स्लाइडिंग। तो अगर मैं मेन दो बातें करूं इसमें, इनमें क्या डिफरेंस है, बस सिंपल यही डिफरेंस है कि अगर बॉडी प्योर रोलिंग में है, प्योर रोलिंग में है, तो पक्की बात है उसकी सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, आर ओमेगा, ये ट्रू है। और अगर मान लो रोलिंग विद स्लाइडिंग है, रोलिंग विद स्लाइडिंग है, तो पक्की बात है उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, ये इक्वल नहीं होगी, या तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा से ज़्यादा होगी या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा से कम होगी, क्योंकि अगर इक्वल टू हो गई फिर तो प्योर रोलिंग हो गई, और अगर नॉट इक्वल टू हो गई फिर कम से कम प्योर रोलिंग तो नहीं हुई। तो मैं तीनों केसेस डिस्कस करने वाला हूं, तीनों केसेस कैसे चलेंगे, वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर ओमेगा, ग्रेटर देन आर ओमेगा, लेस देन आर ओमेगा, इस पे कैसे काम करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्योर रोलिंग की, अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग में है और बॉडी रोल करती हुई आगे जा रही है, तो ये इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है और ये ओमेगा से कर रही है। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्योर रोलिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। ट्रांसलेशन का कौन सा वेक्टर है, वी सेंटर ऑफ मास, रोटेशन का कौन सा वेक्टर है, आर ओमेगा। तो याद करो हम ऐसा करते थे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और आर ओमेगा की वेलोसिटी ऑपोजिट है, और प्योर रोलिंग है तो वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर ओमेगा, दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाते थे और लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या आती थी, 0, हमने ये किया था। और अगर ये 0 है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट कम से कम स्लाइडिंग तो नहीं कर रहा, घिसट तो नहीं रहा, और अगर वो स्लाइडिंग नहीं कर रहा, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, अगर वो स्लाइडिंग नहीं कर रहा, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब कौन सी फ्रिक्शन है प्योर रोलिंग में, स्टैटिक। तो भूलना नहीं है, प्योर रोलिंग में बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये मैंने ऐसे भी प्रूव कर दिया, वैसे ही प्रूव किया था। और जो फ्रिक्शन जो इसके ऊपर काम करती है वो कौन सी है, स्टैटिक। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए या कोई पूछ ले कि एक बॉडी प्योर रोल कर रही है तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, बिल्कुल भी मत बोलना काइनेटिक, पक्का 100% स्टैटिक, क्लियर है।
फिर कोई पूछा ठीक है सर समझ में आ गया स्टैटिक, आपने बोला कि लोअर मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे है तो ये स्टैटिक ही होती होगी, बस ये बता दो कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पर है। मैं कहा फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे है, ये आगे या पीछे कैसे होगी। अब ये वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। अब अगर मैं लॉ ना ना मत कोशिश मत करना, ये लॉज ऑफ मोशन है बता रहा हूँ क्यों, लॉज ऑफ मोशन में चलते हैं वापस। मैं तुमसे पूछता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ, क्या तुम्हारे पास आंसर है, क्या बोलो क्या आंसर है। तो पीछे, अच्छा आपको ऐसा नहीं फील हो रहा, थोड़ी चालाक थी स्टैटिक फ्रिक्शन, टेंडेंसी टू मूव का बड़ा चक्कर था उसमें, अगर उसकी टेंडेंसी आगे मूव करने की है तो पीछे, और अगर पीछे मूव करने की है तो फिर आगे, सिचुएशन देख के बताया जा सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का थंब रूल तो है ही नहीं, काइनेटिक का थंब रूल है। काइनेटिक कहती है अगर बॉडी ऐसी घिसटती हुई जा रही है, स्लाइड करती हुई जा रही है तो पक्का फ्रिक्शन पीछे है। काइनेटिक तो आँख बंद करके पता लग जाती है कि पीछे ही होगी या आगे होगी, लेकिन स्टैटिक आप बोल नहीं सकते, वो सिचुएशन देख के, वो डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कैसे अप्लाई की। और जबकि सेम क्वेश्चन में कभी कभी टेंडेंसी टू मूव याद करो नीचे होती है, कभी ऊपर होती है, और मूव करती नहीं बॉडी, कभी फ्रिक्शन नीचे कभी ऊपर, ऐसा बहुत हमने क्वेश्चन किए थे। इसके अंदर सेम प्रॉब्लम है, आप स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते कि डायरेक्शन क्या होगी, वो क्वेश्चन के अंदर देखेंगे उसकी टेंडेंसी कहाँ मूव करने पे है, और डिपेंड करता है कि फोर्स कहाँ अप्लाई की गई। तो इसलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी डिस्कस नहीं करेंगे स्टैटिक, लेकिन एक बात पक्की है प्योर रोलिंग में काइनेटिक नहीं हो सकती। यहाँ तक क्लियर है? तो प्योर रोलिंग में अगर कोई ये पूछ ले कि सर प्योर रोलिंग का क्वेश्चन करना है, तो मतलब शायद मैं आगे सुनूं भी ना, बस मैं पहला स्टेटमेंट ये लगा दूं कि वी सेंटर मास आर ओमेगा पक्का लगेगा, सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये तो न्यूमेरिकल में यूज होना ही होना है। और कोई अगर अगला क्वेश्चन पूछे सर फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ये बोल दूंगा भाई अगर काइनेटिक तेरे मन में है तो बात भी मत करियो, स्टैटिक है तो बात करियो। सर ठीक बोलो सर, इस डायग्राम में स्टैटिक फ्रिक्शन आगे होगी ना, किसमें, इस वाले डायग्राम में स्क्रीन पे। मैं अगर दोस्त अगर डिस्कस, अगर फ्रिक्शन का थंब रूल होता स्टैटिक का, तो मैं इतनी मैंने शीटें लिखी, कम से कम 10 किताबें लिख चुका हूँ, तो फिर मैं यहाँ एक वेक्टर ड्रॉ कर चुका होता और मैं क्वेश्चन डिस्कस भी ना करता, मैं बोल देता कि भाई फ्रिक्शन इधर उधर है। स्टैटिक फ्रिक्शन ओके सर, अगर आप रूल पूछना चाहते हो स्टैटिक का तो मैं बता देता हूँ, ये बॉडी इधर मूव कर रही है, ये पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं, तो हाँ फ्रिक्शन आ गया, लगा सकते हो रूल। नॉर्मली मैं भी ये लगाता हूँ, जहाँ पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट है राइट। लेकिन ये चीज़ इसमें चल गई, आगे चले ना चले देखो मैं कह नहीं सकता, उसको हम क्वेश्चन में करके ही देखेंगे, आज ही करके देखेंगे, न्यूमेरिकल में लगा के दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट जो है आपकी फ्रिक्शन वो है रोलिंग विथ स्लाइडिंग। रोलिंग विथ स्लाइडिंग में दो केस बनते हैं, इस बात को आप एक बार समझ लें। रोलिंग विथ स्लाइडिंग के अंदर पहला रोलिंग विथ स्लाइडिंग के अंदर पहला केस ये बनता है कि वी सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन आर ओमेगा, और दूसरा केस ये बनता है वी सेंटर ऑफ मास लेस देन आर ओमेगा, राइट। रोलिंग दो चीजों से बनी हुई है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करें, ट्रांसलेशन चाहता है कि ये वेक्टर आगे हो, रोटेशन चाहता है कि ये बॉडी ऐसे रोटेट करे, राइट। दो वेक्टर्स हैं, प्योर रोलिंग में बराबर होते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ट्रांसलेशन चाहता है ये बॉडी आगे जाए, रोटेशन चाहती है ये बॉडी पीछे आए, राइट। दोनों में सेम सिचुएशन है, पर मैंने क्या केस लिया, वी सेंटर मास ग्रेटर देन आर ओमेगा, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब बॉडी स्किडिंग करती हुई जा रही है, मतलब वी सेंटर मास बहुत तेज जा रहा है लेकिन रोटेशन उतना तेज हो नहीं पा रहा। जैसे एक टायर है, एक टायर या आपने एक ब्रेक लगाई, इतनी जबरदस्त ब्रेक लगाई कि हो सकता है रोटेशन बंद ही हो जाए, आपकी गाड़ी की रोटेशन ही बंद हो गई या बाइक की रोटेशन ही बंद हो गई, बिल्कुल आर ओमेगा जीरो ही हो गया, और बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्या करती जा रही है, स्लाइडिंग करती जा रही है। तो यानी कि वी सेंटर मास ग्रेटर देन आर ओमेगा। हाँ ऐसा हो सकता है आपने ब्रेक थोड़ी सी छोड़ दी तो स्लाइडिंग अभी भी हो रही है, लेकिन हल्का हल्का टायर भी घूम रहा है, लेकिन वो बहुत तेज नहीं घूम रहा, बहुत स्लो घूम रहा है, थोड़ी सी रोटेशन है, टायर हल्का घूम रहा है, आपकी ब्रेक प्रॉपर नहीं लगाई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। हाँ ये भी हो सकता है कि आर ओमेगा बिल्कुल ही ना हो और सिर्फ स्लाइडिंग का केस बन जाए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, दिस इज नॉट अ केस ऑफ प्योर रोलिंग। और दूसरा केस आपकी गाड़ी जो है, हाँ ये वाला केस, अगर मान लो ये वाला केस है और बॉडी स्लाइड करती हुई जा रही है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट घिसटता हुआ जाएगा
और अगर ये घिसटता हुआ जाएगा, इसकी सरफेस पे स्लाइड करता हुआ जाएगा और ये बढ़े, तो यहाँ पर कौन सी फ्रिक्शन होगी? काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? पीछे होगी, क्योंकि ये स्पीड बड़ी है और ये छोटी है, तो बॉडी आगे स्लाइड करती हुई जा रही है, काइनेटिक 101% पीछे है। वो रूल मत लगाना कि सर ये बॉडी ऐसे जा रही थी तो ऐसे होगी, काइनेटिक स्लाइडिंग में नहीं लगेगा। स्लाइडिंग में लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट लगता है, वो जो हमने काइनेटिक फ्रिक्शन किया था। तो अगर बॉडी घिसटती हुई आगे जा रही है, फ्रिक्शन पीछे है, बात ही खत्म। लेकिन अगर सोचो आपकी गाड़ी जो है एक मिट्टी में फंस गई है, आर ओमेगा बहुत बड़ा है, घूमे जा रही है, रेस दबाई जा रही है, घूमे जा रही है, घूमी जा रही है, और हो सकता है एक इंच भी आगे ना जाए, घूमती रहे, तो वी सेंटर मास क्या हो जाएगा उस केस में? जीरो, वो तो मूव ही नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी होता है कि आप जोर लगाते हो, गाड़ी थोड़ी सी आगे तो जाती है, फिर चाहे पीछे आ जाए, एक बार तो जब रेस दबाते हो तो जाती है आगे, सेंटर ऑफ मास हल्का सा मूव करता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बहुत लो होती है और ये बहुत हाई होती है, तो ये भी प्योर रोलिंग नहीं है। और क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी पीछे घिसटने की है, उसका पार्टिकल पीछे जाई जा रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में कहाँ होगी? आगे। और पक्की बात है क्या होगी? काइनेटिक ही होगी। तो इम्प्योर रोलिंग में काइनेटिक का रोल है, प्योर रोलिंग में स्लाइडिंग स्टैटिक का रोल है। तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, और डायरेक्शन स्टैटिक को छोड़ के ये क्लियर है, काइनेटिक तो बिल्कुल ही क्लियर है। वी सेंटर मास बढ़ा है तो फ्रिक्शन पीछे, आर ओमेगा बढ़ा है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकलेंगी रोलिंग में? अब इसके अंदर जैसे सपोज डिस्कस किया हुआ है विथ स्लाइडिंग, और मैंने क्या बोला? वी सेंटर मास ग्रेटर देन आर ओमेगा, और मैंने डिस्कस कर दिया वी सेंटर मास अगर बढ़ा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे है, और मैंने इसमें लिख भी दिया कि यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के विल एग्जिस्ट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसमें यह भी लिख दिया कि होगा क्या अगर मान लो सपोज आपकी गाड़ी की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बहुत तेज है, और सपोज करो बॉडी स्केटिंग करे जा रही है, लेकिन जैसे ही हो सकता है एक स्मूथ सरफेस आ जाए मान लो, या सॉरी एक रफ सरफेस आ जाए, ऐसा कब होता है नॉर्मली? ये स्केटिंग कब होती है? जब सड़क प्रॉपर नहीं है, मिट्टी पड़ी हुई है, और आपकी गाड़ी एकदम ब्रेक लगाती है, वो स्किड करती हुई जाती है, फिर आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर या कहीं पर भी सड़क पे गाड़ी स्किड करती है, लेकिन गाड़ी एकदम जब सड़क पे आती है प्रॉपर सड़क पे तो रोलिंग स्टार्ट कर देती है, वहाँ स्किडिंग कम होती है, स्किडिंग नहीं होती। तो हुआ क्या, मान लो बॉडी स्किडिंग कर रही थी और एकदम प्रॉपर सड़क पे आ गई, तो हुआ क्या? इसमें ये हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन हेल्प करती है बॉडी को क्या करने में? रोल करवाने में। और सिर्फ यही नहीं, आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि आपने एक टायर को लिया, एक टायर को रोल नहीं करवाया, फेंक दिया। इमेजिन करो एक टायर है, नॉर्मली तो मैं टायर एक्सपेक्ट करते हैं कि टायर तो बस घूमेगा ही, नहीं किया, ऐसे फेंक दिया, और सोचो काइनेटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट थी, तो शुरू में तो क्या हुई? स्लाइडिंग। काइनेटिक कहाँ कर रही है एक्ट? इधर। अब देखो ना काइनेटिक क्या जबरदस्त चीज़ कर रही है, काइनेटिक कहाँ एक्ट कर रही है? इधर, स्लाइडिंग इधर हो रही है, हाँ टॉर्क जनरेट करेगी। देखो ये देखो ये देखो, अब सोचो ना अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लगती है काइनेटिक, तो बॉडी में इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट हो जाएगा और बॉडी घूमना स्टार्ट कर देगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब थोड़ी देर बाद बॉडी प्योर रोलिंग में आ जाएगी, v इक्वल टू आर ओमेगा। और जैसे ही प्योर रोलिंग में आई, आप लोगों को ये बोलना, देखा काइनेटिक हो गई खत्म, अब कौन सी फ्रिक्शन आ गई? स्टैटिक। सही है, तो ये ठीक बोलते हैं, फ्रिक्शन हेल्प करती है हमें रोलिंग में, क्योंकि हम चाहते तो थे स्लाइडिंग, पर फ्रिक्शन ने क्या किया, उसमें क्या जनरेट करवा दी? रोलिंग। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसका? तो स्लाइडिंग से क्या जनरेट हो गई? रोलिंग। यहीं पे सेम है, क्योंकि वी सेंट्रो मास ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो पीछे लगेगी। देखो जब तक तुम्हारा वी सेंट्रो मास बढ़ा है और तुम बॉडी को ऐसे फेंक रहे हो, तो यार ये तो बात पक्की है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जोर लगाएगी किसी तरीके से प्योर रोलिंग में बॉडी आ जाए, क्योंकि वो भी तो हेल्प कर रही है कि कहीं घुमाना, तो देखो मैंने तो घुमाया नहीं, मैं तो फेंका है। फ्रिक्शन ना होती तो गारंटी थी इसे ऐसे ही चलते जाना था, फ्रिक्शन ने टॉर्क जनरेट किया और इसने घूमना शुरू कर दिया, सिंपल है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हेल्प कर रही है रोटेशन में, और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो वी बहुत बड़ा था उसका, काइनेटिक फ्रिक्शन वी सी को कम कर देगी, स्पीड कम करेगी, पर ओमेगा बहुत कम था, टॉर्क जनरेट करके ओमेगा थोड़ा ज़्यादा कर देगी, और ऐसा कर देगी बैलेंस हो जाए और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा की कंडीशन बैलेंस हो जाए, वो यही चाहती है। इसके बाद काइनेटिक तो गायब ही हो जाएगी, उसका काम तो खत्म हो गया और स्टैटिक का काम शुरू हो गया। तो जब तक स्लाइडिंग चल रही है, काइनेटिक अपने आप पैदा होकर स्लाइडिंग कर करके उसमें ये कंडीशन लाने की कोशिश करेगी। क्लियर है यहाँ तक?
तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे चल रहा है। लेकिन अब आप ये इमेजिन कर लो, आपका आर ओमेगा बढ़ा है भाई, जब आर ओमेगा बढ़ा है तो ये वेक्टर बढ़ा है, ये वेक्टर बढ़ा है तो फ्रिक्शन पीछे। अब आपका टायर घूमे जा रहा है, चल रहा नहीं, फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी। फ्रिक्शन ऐसे देखो, ओमेगा बहुत ज़्यादा है, रेस बहुत ज़्यादा है, ओमेगा बहुत ज़्यादा है, वी सेंटर मास है नहीं। मैं चाहता हूँ यार मिट्टी में से गाड़ी निकले, वी सेंटर मास भी तेज़ हो, ओमेगा थोड़ा स्लो हो जाए, बहुत तेज़ ना घूमे लेकिन वी सेंटर मास तेज़ हो जाए। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे एक्ट कर रही है, काइनेटिक यहाँ एक्ट करेगी, काइनेटिक ऐसे एक्ट करेगी इस तरफ कि टायर ऐसे घूम रहा है बहुत तेज़, इसकी स्पीड स्लो करने के लिए काइनेटिक अपना टॉर्क उल्टा जनरेट करके इसकी ओमेगा को कम कर देगी। ओमेगा कम होगा और गाड़ी बाहर की तरफ निकलेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ी देर अगर गाड़ी बाहर निकल गई तो वी इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, काइनेटिक का पूरा जोर यही है, काइनेटिक का काम ही है बस किसी तरीके से मैं जाऊँ, मेरी छुट्टी हो और स्टैटिक मेरा रोल ले ले और ये बॉडी रोल करनी शुरू कर दे। काइनेटिक ने काम ही ऐसे करना है कि अगर तेज स्पीड है, ओमेगा तेज़ है तो काइनेटिक का टॉर्क उसको स्लो कर देगा, और अगर स्लो स्पीड है तो काइनेटिक का टॉर्क उसको तेज़ कर देगा। कोई डाउट इसमें? 0 होता है, स्लाइडिंग नहीं ना, काइनेटिक में ये कंडीशन है, ये होना जरूरी है, और ये हो नहीं रहा तो काइनेटिक नहीं है, सिंपल है। स्लाइडिंग नहीं है तो काइनेटिक नहीं है, मोमेंट्री रेस्ट पे है तो स्टैटिक है, अगले मोमेंट में घिसट नहीं रहा वो रेस्ट पे है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि ये फ्रिक्शन की डायरेक्शंस कैसे काम करती हैं इसमें। तो जब आप ये ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आई होप आपको आइडिया हो जाएगा कि, क्योंकि वो क्वेश्चन में उलझा देगा, अगर उसने इम्प्योर रोलिंग में पूछ लिया तो देखो उलझा देगा कि, और वो कॉम्बिनेशन देता है इम्प्योर रोलिंग से प्योर रोलिंग, तो एकदम फिर काइनेटिक से स्टैटिक कैसे लेके आना, आई होप समझ में आ रहा है। मैं याद दिला दूं कि हमने एक एक्सेलेरेशन का टॉपिक किया था, जी साइन थीटा अपॉन 1+k² / r², अगर आपको याद हो। उस टॉपिक में हमने फ्रिक्शन डिस्कस की थी, पर मैंने कहा था आज मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, मतलब इसके बारे में पूछना भी मत, आपको याद होगा और आपको समझ में हो गया कि क्यों नहीं बोल रहा था, ये पूरा लेक्चर देना पड़ना था। अब 2 मिनट के लिए वहीं चलें, जब एक बॉडी रोल कर दी थी तो फिर आपको याद होगा फ्री बॉडी डायग्राम में mg साइन थीटा इसको नीचे लेके आता है और फ्रिक्शन पीछे लेके आता है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट इज़ अ केस ऑफ प्योर रोलिंग, हमारा पूरा रोटेशनल ही प्योर रोलिंग पे चला है। तो मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं जी फ्रिक्शन तो काइनेटिक थी तो फिर कैसे बोलूँ, क्या होगी, स्टैटिक थी। तो ये आंसर मैंने उस दिन भी दिया था कि फ्रिक्शन स्टैटिक होती है, काइनेटिक नहीं होती। आई होप अब आपको समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन स्टैटिक क्यों है, काइनेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि प्योर रोलिंग है और इसलिए ये वहां पे डिस्कस नहीं हुआ था, ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया। स्टैटिक मुझे टॉर्क कहाँ चाहिए, आगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, पीछे, कि बट पार्टिकल तो उधर जा रहा था, मैंने क्या बोला था, फ्रिक्शन तो मौका देख के, फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन तो मौका देख के। आप देखो ना बॉडी नीचे जाना चाहती है, तुम्हें टॉर्क कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए, तो कैसे जनरेट होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन तो जादूगर है, पता ही है तुम्हें, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ये तो देख के लगा लेती है, मजे गए। तो मैं वही तो कुछ और कोई टॉर्क जनरेट ही नहीं कर रहा, एक बची क्या स्टैटिक फ्रिक्शन, वो जनरेट ही ऐसे करेगी, उसमें टॉर्क जनरेट करेगी, बॉडी नीचे आएगी, अगर वो भी उल्टा होगी तो बॉडी ऊपर जाएगी, एनजी साइन थीटा रोक नहीं पाएगी। ये हमने कर लिया था, यहाँ तक क्लियर है?